आज मैं बताने वाला कुछ इस तरह के वीडियो शॉर्ट वीडियो किस तरह अपलोड करते हैं तो मेरा वीडियो रैंक करता है और इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। मेरा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय आपको समझना है। मेरा वीडियो पर नया है तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दो और बेल घंटी प्रेस कर दो। 100% आपको गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आपका वीडियो प्रोसेसर में चला जाएगा। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। जैसे हम चलते हैं बैक और यूट्यूब सॉल्यूशन खोल लेना है आपको। यूट्यूब सॉल्यूशन खोल लेना है आपको, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके और अपना एक यहाँ वीडियो दे देना है अच्छा क्वालिटी के। मैं जो भी बनाया हूँ मैं इस वीडियो बनाया हूँ, यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देता है, आज सब क्लियर कर दूंगा आपको दोस्तों बता के। यहाँ सबसे पहले आपको एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो सी पब्लिक दिखाना चाहते हैं वो पब्लिक रख लीजिए। मैं इस वाला पब्लिक को हम दिखाना चाहते हैं, डन कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देता है जो मेन टाइटल, टाइटल आप किस चीज़ के वीडियो डाले हैं और किस चीज़ों के वीडियो बनाए हैं उसी के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे बता रहा हूँ फोटो रूम से ब्लर कैसे करते हैं, यहाँ लिख देना फोटो रूम, रूम से ब्लर कैसे करें। लर कैसे करें करें, बस इतना ही लिख देना है। आपको हैश टैग दो को आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियो और एडिटिंग और यहाँ पे आपको यूट्यूब, बस इतना ही यहाँ पे बताना है आपको। यूट्यूब शॉर्ट और यूट्यूब शॉर्ट और यूट्यूब, यह तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, टाइटल में लगाना है आपको दोस्तों। और नीचे के दिया होगा अनलिस्ट, तो आप बता दें कि यहाँ पे कौन सा चीज़ करें कि यहाँ मेरा वीडियो रैंक करेगा। सबसे पहले बता दें कि पब्लिक होता है मतलब आप वीडियो डालेंगे तो आपके वीडियो तुरंत पब्लिक हो जाएगा। और अनलिस्ट करेंगे तो आप लिंक पर शेयर कर सकते हैं, आप प्राइवेट करेंगे आप सिर्फ आप ही देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अनलिस्ट ही छोड़ दे रहा हूँ और IT स्टूडियो से आपको बता दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ से देता है नोट यस इन मैक्स फॉर किंड, नोट इज नोट मैक्स फॉर किंड। तो आपको नोट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे बैक चलना है और यहाँ पे आपको अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। आपको चलना है IT स्टूडियो में। IT स्टूडियो में आपको आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको, IT स्टूडियो खोलने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको किनटेक पे आना है बड़ा। अब जो भी वीडियो बनाए होंगे यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे सेव आपको लिंक कॉपी कर देना है दोस्तों, कॉपी लिंक करके और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा लेना है, बस इतना ही डिस्क्रिप्शन में लगा लेना है। और यहाँ पे टैग आपको बता दें टैग किस बारे में लगाना है, मतलब यूट्यूब आपको बताना है किस चीज़ रिलेटेड आपका रिलेटेड वीडियो है। तो मेरा है शॉर्ट वीडियो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डाल दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पे यहाँ से इसको सेव कराना है, आप ही देना है ट्रेंडिंग शॉर्ट डिंग ट्रेंडिंग शॉर्ट, बस आप यहाँ पे इतना लिख देना है दोस्तों, बस इतना ही हम लिखेंगे बाद नहीं। और यहाँ पे हॉप टू है स्टाइलिश बता देना है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन कैटेगरी के मिलेगा आपको। सिर्फ आपको सब वीडियो में हॉप टू स्टाइलिश आपको करना है, मतलब यहाँ पे हॉप स्टाइलिश मेरा चुना गया है और यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ इसको और यहाँ से बैक चलता हूँ। और यहाँ से आपको यहाँ से सिर्फ आपको पब्लिक कर लेना है, यहाँ से आपको पब्लिक कर लेना है और यहाँ पे डन कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। सेव करते ही आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा है चेकिंग स्टार्टिंग सोन, तो चेकिंग आपका वीडियो कैसा वीडियो बनाए हैं और किस तरह से वीडियो रिलेटेड है आपका चेकिंग हो रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरा वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हूँ अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।